नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। लापता भतीजे को ढूंढेगी एसटीएफ। बिहार थाने के भाटनखेड़ा में गायब हुआ पीड़िता के भतीजे का नहीं मिला अभी तक कोई सुराग। जनपद उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र के भाटनखेड़ा गांव की घटना तो आपको याद ही होगी, जहां बलात्कार और फिर उसके बाद जलाकर हत्या और अब उन पीड़ितों का एक बच्चा बीते कई दिनों से लापता है। बच्चे की गुमशुदगी में हत्या और बलात्कार में आरोपी रहे उनके लोगों के परिजनों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और अपना दामन साफ करने में जुटे हैं। वहीं अभी तक पुलिस बच्चे का सुराग नहीं लगा पाई है। कई टीमें लगी हुई हैं, गंभीरता से इसकी तलाश भी की जा रही है। जनपद में घटना स्थल के आसपास से लेकर दूसरे जनपदों में और उसके अलावा दूसरे राज्यों में भी पुलिस टीम छानबीन लगातार तलाश जारी है। उन्नाव पुलिस ने एसटीएफ भी लगा दी है। वहीं पुलिस ने सारी ताकत लगा दी है, फिर भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पेश है उन्नाव के संवाददाता साहबान मलिक की खास रिपोर्ट। सर, 19 दिन बीत चुके हैं जेंगे पीड़िता के भतीजे को लापता हुए, पुलिस की टीम किस तरह तलाश कर रही है? देखिए, लगातार हमारी कई टीमें लगी हुई हैं और पूरी गंभीरता से इसकी तलाश की जा रही है। अपने जनपद में घटनास्थल के आसपास, पड़ोसी जनपदों में, उसके अलावा पड़ोसी राज्यों में हमारी टीमें छानबीन कर रही हैं। लगातार तलाश जारी है। जिन स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर अगर चिपकाए जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है, जगह जगह तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। आपको ये भी बता दें कि इसके अतिरिक्त जो सेफ्टी टैंक है टॉयलेट के, उसको भी चेक किया जा रहा है कि संभावना है ऐसी कोई घटना दुर्घटना न हो, लेकिन अभी तक जानकारी मिल नहीं पाई है। लगातार हमारा प्रयास जारी है, टीमें भी लगी हुई है। सर, क्या इस पूरे मामले में एसटीएफ को भी लगाया जा रहा है? जी हाँ, एसटीएफ का इसे सहयोग लिया जा रहा है। एसटीएफ अपने स्तर से काम शुरू कर रही है और हमारा भी काम जारी है। बच्चा बरामद हुआ।